आए दिन शहर में सेंधमारी की घटनाओं में इजाफा होता दिख रहा है। इसी बीच हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत 16 मार्च को घर में सेंधमार कर चोरी करने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए हुड़केश्वर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त किया, जिनसे कुल 1,30,000 रुपयों का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी तबस्सुम शेख और अशफाक शेख किसी कार्यक्रम के लिए बिलासपुर जा रहे थे, जिस दरमियान 3 अज्ञात व्यक्तियों ने फिरियादी के घर के सामने के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए, जिसके बाद फिरियादी की शिकायत पर IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस अपराध की जांच के दौरान एक मुखबिर की मदद से तकनीकी और CCTV कैमरों की मदद से मामले में 3 अज्ञात आरोपियों का पता लगाया गया और चोरी के सामानों में इस्तेमाल किए गए 2 वाहनों को उनके कब्जे से जब्त कर लिया गया। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रताप भोसले ने अधिक जानकारी साझा की। किशन पुलिस स्टेशन में 16 मार्च घरपोड़ी कर एक TV चांदी से पत्त्या काही कॅश असा माल चोरीला गेल्यावरून तक्रार दिल्यावरून अपराध क्रमांक 151/21 हा गुन्हा 16 तारखेला दाखल करण्यात आला। दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास पथकातील अधिकारी APR भुजबळ, पोलीस हवालदार दीपक मोरे व त्यांची टीम आणि बारकाईने सदर गुन्ह्याच्या सहभाग असलेल्या आरोपींचा शोध घेतला असता ते आरोपी साहिर उर्फ पप्पू राजेश उर्फ करण दीपक खेडकर, शुभम उर्फ काळ्या संजय कारमोरे असे निष्पन्न झाल्याने त्यांना काल दिनांक अटक करून पोलीस गेलेला एक सॅमसंग कंपनीचा LED TV चांदीचे पाय 10 लक्ष आणि त्यांनी गुन्ह्याच्या वेळी वापरण्यात आलेल्या 2 मोटरसायकल असा माल एकूण किंमत 1,30,000 रुपये जप्त करून दाखल गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। आरोपी आज माननीय न्यायालयात हजर करण्यात आले आहेत। 1-2 गुन्हे आहेत दाखल आहेत तुमच्यावर। पुलिस ने इस मामले में साहिल और पप्पू के करण खेलकर और शुभम और काल्या कारमोरे को गिरफ्तार किया। वह उनसे दुपहिया वाहन, एक LED TV, 2 चांदी के पायल समेत कुल 1,30,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।